वेलकम टू माय चैनल अनमोल कुमार। आज मैं आपको एमएक्स प्लेयर के दो फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें से एक फीचर तो इसमें काफ़ी पहले से है और एक नया अपडेट आया है अभी हाल ही में। तो चलिए सबसे पहले पुराने फीचर के बारे में बात करते हैं हम। दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग एमएक्स प्लेयर में वीडियो सॉन्ग देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, बट आपको क्या पता है कि आप इसमें ऑडियो सॉन्ग का भी मज़ा ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एमएक्स प्लेयर पे ऑडियो सॉन्ग भी सुन सकें तो मेरे वीडियो को देखिए लास्ट तक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो आपको एमएक्स प्लेयर में अगर आप ऑडियो सॉन्ग भी सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एमएक्स प्लेयर खोलना होगा, ओपन करना होगा। उसके बाद ये थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना होगा और ये जो ऑडियो वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं इस पे आपको टैप करना होगा। और ये जो ऑडियो प्लेयर, ये देखिए यूज़ एज ऑडियो प्लेयर, इस पे आपको टिक करना होगा। अब ये ऑडियो प्लेयर बन चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे फ़ोन में जितना भी ऑडियो फाइल है वो यहाँ पे आ गया है। अगर आपका नहीं आता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं तो वो आ जाएगा। तो ये देखिए, मैं आपको एक ऑडियो सॉन्ग प्ले करके बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑडियो है। और अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल एमएक्स प्लेयर यूज़ करें सिर्फ वीडियो देखने के लिए, तो उसके लिए भी आपको सेम वही प्रोसेस करना है। सेटिंग में जाना है थ्री डॉट पे क्लिक करके, ये देखिए थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको सेटिंग में जाना है और ये आपको ऑडियो वाला ऑप्शन में जाना है। और ये जो आपने टिक किया है इस बॉक्स में यूज़ एज ऑडियो प्लेयर, इस पर आपको अनमार्क कर देना है। तो ये देखिए, ये वापस से नॉर्मल हो गया। अब देखिए इसमें सिर्फ वीडियो ही हैं। ये देखिए, मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। देखिए, ये तो हो गया इसका पुराना फीचर, जिसके बारे में शायद ही किसी ने बताया होगा या शायद ही किसी को पता होगा। दोस्तों एमएक्स प्लेयर या यूसी ब्राउज़र यूज़ सब लोग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने हिसाब से यूज करते हैं। वो एकदम उसको अच्छे से यूज नहीं करते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो उसको एकदम खंगालते नहीं हैं, उसके फीचर्स को नहीं देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है। ऐप्स में फ्रेंड्स बहुत सारे फीचर होते हैं, उन्हें सेटिंग में जाके उनको देखना पड़ता है। वैसे इतना टाइम तो शायद किसी के पास नहीं है, बट मैं वीडियो बनाता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर, इसलिए मैं देखता हूँ फीचर्स के बारे में, मैं जानता हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ।
तो आप बात करते हैं इसके दूसरे फीचर के बारे में। दोस्तों इसमें एक कमाल का नया फीचर आया है जिससे आप के एम एक्स प्लेयर में वीडियो वगैरह है तो आप एम एक्स, अगर आपके दूसरे फ़ोन में भी एम एक्स प्लेयर है तो आप एम एक्स प्लेयर के थ्रू आप अपने दूसरे फ़ोन में उस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो कैमरा का वीडियो हो या डाउनलोड किया हुआ वीडियो हो या कोई भी किसी भी वीडियो फाइल को आप शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपने दूसरे फ़ोन में भी एम एक्स प्लेयर डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये देखिए मैं एम एक्स प्लेयर खोलता हूँ और मुझे इस वाले फीचर पे, ये जो आपको इन और आउट का एरो वाला फीचर देख रहे हैं ना, ये स्कैन के ऑप्शन के जस्ट राइट साइड में जो ये ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए अगर आप इस फ़ोन से सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कीजिए, रिसीव करना चाहते हैं तो आपको बस स्लाइड करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये फीचर तो बहुत अच्छा है बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको ब्लूटूथ और अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट दोनों एक साथ ऑन करके रखना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं तो सेंड करूँगा इसलिए मैंने ऊपर स्लाइड किया और मुझे इसमें रिसीव करना है इसलिए मैं नीचे स्लाइड करूँगा। तो ये देखिए आप देखिए मुझे सेंड करना है, जैसे मैं ये और ये मुझे सारे फाइल को सेंड करना है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिए फ्रेंड्स मैंने कैसे किया, आप एक बार फिर से देख लें। मैंने इस फाइल के ऊपर टैप किया, फिर मैंने सिलेक्ट किया जो जो फाइल मुझे वीडियो फाइल सेंड करना है और फिर मैंने शेयर नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैंने अलाउ कर दिया दोनों। ये देखिए मेरा दूसरा वाला फ़ोन का आ चुका है, अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहा है। मैंने शो क्यूआर कोड पे क्लिक किया, अब ये देखिए ये देखिए अब इसमें ये देखिए ये इसमें अब आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक एक करके मेरा सारा फाइल मेरे दूसरे फ़ोन में जा रहा है, ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वैसे ये फीचर काफ़ी अच्छा मुझे लगा क्योंकि हम लोग जापिया एक्जेंडर या यूसी ब्राउज़र से अगर कोई भी फाइल शेयर करते हैं तो उसमें वीडियो फाइल हमें खोजना पड़ता है या ऑडियो फाइल या इमेज फाइल, लेकिन एम एक्स प्लेयर में है कि आप
एमएक्स प्लेयर का ही सिर्फ फाइल, जो एमएक्स प्लेयर में वीडियो ऑडियो जो भी फाइल आपने स्टोर करके रखा हुआ है सेव करके, आप उसी को शेयर कर सकते हैं, अदर आपको कोई फाइल शो नहीं करेगा। तो इस हिसाब से मुझे ये फीचर अच्छा लगा। अब आप लोग बताइएगा मुझे कि आपको ये फीचर कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के एक लाइक और शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये देखिए सारा आ चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स सारा आ चुका है। अब ये देखिए मैं आपको अपने दूसरे फ़ोन में प्ले करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स आपके आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो बाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली।